दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सोशल मीडिया जायंट्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इन सब के खिलाफ एक तरह से सरकार की जंग जारी है। इन सोशल मीडिया के खिलाफ, खास करके ट्विटर के खिलाफ, तो ट्विटर एक तरह से एजेंडे पर है। 4-5 FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि भारत का नक्शा गलत दिखाने से लेकर किस तरह से गाजियाबाद केस में जो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ जो हादसा हुआ, उसके जो कंटेंट्स है वो ट्विटर पे क्यों इतने दिनों तक लगा रहा, साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट जो हैं वो ट्विटर पे क्यों मौजूद है, और इस तरह से ढेर सारी राज्य सरकारें और पुलिस अलग अलग मामलों में ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, क्योंकि मामला एक तरह से IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर है। साथ ही संबित पात्रा और जिनके ये ट्वीट को एक तरह से फ्लेम किया गया था, उनके ट्वीट को अलग कैटेगरी का दर्जा दिया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं मामला और भड़क गया है। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार इन सोशल मीडिया जायंट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई, क्या अड़चन है उनके रास्ते में? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात, भारत सरकार के रास्ते और क्यों सोशल मीडिया जायंट्स को नेल नहीं कर पा रही सरकार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी, जिसमें कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था और ढेर सारे सवाल उनसे पूछे गए। ये पूछा गया कि आप जो कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे हैं उसको कैसे एक तरह से उसको क्लेरिफाई करते हैं, अगर कोई कॉन्टेंट उस पर भड़काऊ है तो उसके लिए क्या गेट कीपर करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है, या फिर जिस तरह से उस पर कोई भी कंटेंट डालता रहता है वो कंटेंट उस पर उपलब्ध है। जिस पर कि BJP सांसद ने ये पूछा कि कनाडा लैंग्वेज को सबसे फिल्थीएस्ट लैंग्वेज के रूप में जब गूगल सर्च करते हैं तो ये दिखाता है, तो आखिर गूगल के जो गेटकीपर्स हैं, गूगल का जो मैकेनिज्म है, जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो क्या करते हैं? तो उस पर गूगल के रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया कि उनका काम सिर्फ एग्रीगेशन का है, वो सिर्फ एग्रीगेटर हैं, इंटरमीडियरी हैं, न कि उनका काम चेकिंग करने का है। जिस पर कि जो सांसद थे वो बहुत खुश नहीं हुए उनके जवाब से, और उन्होंने कहा कि इंटरमीडियरी का ये भी काम होगा कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई कंटेंट इस तरह की आपत्तिजनक डाली जा रही है जो राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ है, कोई वहाँ के कल्चरल बायसनेस को दिखाता है, तो उसको प्योरीफाई करने का काम भी उस इंटरमीडियरी का है। एक और सवाल जो उठा कि गूगल का जो गूगल असिस्टेंट है, यानी कि जिस तरह से एप्पल का सीरी है जो कि आपके कमांड को लेकर सारी आपके एक तरह से असिस्टेंट का काम करता है, तो वो जो गूगल का असिस्टेंट है वो क्या हमारी जो निजी बातचीत होती है जब उसका टैब ऑन नहीं होता तब भी क्या उस बातचीत को सुनता रहता है, वो रिकॉर्ड करता रहता है? तो उस पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, और सांसदों को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो डेटा है, जो प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि गूगल का असिस्टेंट वो एक्टिव नहीं होने के बावजूद भी उनके सारे कन्वर्सेशन को सुनता है और वो कहीं ना कहीं मेटा डेटा जो है स्टोरेज में जाता है, तो यानी कि किसी की व्यक्ति की निजता का वो घोर उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे कंसर्न ऐसे थे जिस पे सांसदों ने रखा, साथ ही जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर हैं उन्होंने ट्विटर इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है, 2 दिन में जवाब मांगा है कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को क्यों ब्लॉक करके 1 घंटे के लिए रखा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उनके जो कंसर्न हैं उनसे जवाब मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर सरकार ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, जब स्थिति अगर इतनी तनातनी की है तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पाती है? तो उसका जो कई सारे रीज़न है, रीज़न नंबर 1 क्या है कि ये जो सोशल मीडिया के जायंट्स हैं वो एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की तरह काम करते हैं और उनके उस देश में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत नाम मात्र के होते हैं, और ख़ास करके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान रखने वाले होते हैं, बिजनेस प्रमोट करने वाले होते हैं। उनके जो कोडर, उनके जो इंजीनियर, जो टेक्निकल टीम होती है वो ज़्यादातर उस देश में नहीं होती है। जैसे भारत के केस में उनकी जो टेक्निकल टीम है वो ज़्यादातर सिंगापुर में बैठती है या कैलिफोर्निया में बैठती है, तो वैसे में अगर बिजनेस हेड को बुला करके ग्रिल करना उसका कोई खास बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता और वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होता, और फिर नतीजा वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं।
दूसरा जो इशू है इस सरकार की जो अड़चन है, उसमें अड़चन में ये है कि जो सरकार का जो मैकेनिज्म है इन सोशल मीडिया जायंट पे नज़र रखने का, वो जो मैकेनिज्म है वो बहुत लचीला है या फिर इनफिशियंट है, वो उतना कारगर नहीं है जितना कि ये सोशल मीडिया जायंट्स के इंजीनियर्स और उन पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और साथ में उनके चेक बैलेंसेस देखने वाले गेटकीपर्स हैं। सरकार के ज़्यादातर जो गेटकीपर्स हैं वो इनफिशियंट हैं। वो तभी वो मामला फ्लैग होता है जब वो न्यूज़ बन जाती है, वो खबर बन जाता है, तब सरकार अपनी चिट्ठी कंसर्न सोशल मीडिया जायंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। अगर सरकार का जो चेक एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म मजबूत हो तो हो सकता है कि सरकार और त्वरित कार्रवाई कर सके। तीसरा जो बड़ा कारण है कि आप याद कीजिए कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कैंपेन एक तरह से लॉन्च कर रहे थे पूरे देश भर में, तो प्रधानमंत्री ने एक सेल्फी का जो प्रचलन शुरू किया और जिस तरह से सोशल मीडिया जायंट्स को उस पर उन्होंने काफ़ी बल दिया, उस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने थ्रस्ट उनका था, और उसके बाद तमाम जिले मोहल्ले कस्बे और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर मंडल के स्तर पर बूथ के स्तर पर बीजेपी ने अपने आईटी सेल की संरचना की है, जिसमें कि उनके आईटी सेल का अध्यक्ष होता है, आईटी सेल की कार्यकारिणी होती है। उसी तरह से तमाम पार्टियों ने सोशल मीडिया की अपनी एक आईटी सेल का निर्माण किया। दोनों पार्टियां यानी कि अपोजिशन और सरकार दोनों ने उस सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया है और ख़ास करके अपने विचारों को और प्रोपगेट करने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मीडियम जिसका आप इस्तेमाल करते हैं वही कल की तारीख में आपके लिए खतरनाक बन जाता है। तो अब स्थिति उस डायरेक्शन में हो गई है, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे जो कार्यकर्ता हैं आईटी सेल के कार्यकर्ता और ख़ास करके ढेर सारे ऐसे जो लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो किसी भी घटना को किसी भी तरह से उसका ट्विस्ट दे सकते हैं, वो एक फेक न्यूज़ फैला सकते हैं। उसको चेक बैलेंसेस करने के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और जो सरकार की पुलिस है वो पुलिस ज़्यादातर ऐसे मसलों पर उनके खिलाफ़ NSA लगा देती है, रैदर कि उसकी एक इन्वेस्टिगेशन पहले हो, उसका फैक्ट चेक किया जाए। हालांकि अब सरकार की ये प्रायोरिटी है कि अलग अलग जो पुलिस सेल हैं वहाँ पे फैक्ट चेकर एस्टैब्लिश किए जाएँ, बनाए जाएँ, लेकिन अभी भी नतीजा ढाक के तीन पात है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर सोशल मीडिया जायंट्स इन पे नकेल कसना है तो अपना जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है उसको मजबूत करना होगा, उसे निष्पक्ष बनाना होगा, न कि अपनी बायसनेस अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई भी सरकार उन मीडिया जायंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये एक अभिव्यक्ति का बड़ा मंच भी है। तो उस मंच को फ्लरिश करने के लिए, उस पर लोगों की आवाज़ आए उठे और सही कॉन्टेंट जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो फैक्ट चेकर का गेटकीपर का जो मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जाए, न कि उस मीडियम को ही खत्म किया जाए। शंकर अनिमेश द प्रिंट।